सितारगंज प्रशासन व नगर पालिका ने संयुक्त अभियान चलाकर नगर में सिडकुल रोड पर अतिक्रमण हटाया है। इस दौरान करीब एक दर्जन फड़ खोखे हटाकर सामान जब्त कर लिया गया है। अभियान उप जिलाधिकारी मनीष बिष्ट के नेतृत्व में चलाया गया था। टीम ने मुख्य चौराहे से अभियान शुरू करके जेल कैंप रोड के दोनों तरफ फड़ खोखे हटा दिए। जब्त सामान को पालिका के वाहनों में भरकर पालिका परिसर में रखवा दिया गया है। इस दौरान कई मांस मछली के फड़ खोखे भी हटाए गए हैं। अतिक्रमण हटाने के दौरान अफरा तफरी मच गई। कई दुकानदारों ने तो खुद अपना अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया। वहीं उपजिलाधिकारी ने कहा है कि बरसात के मौसम को देखते हुए शहर में जल भराव से निपटने के लिए संयुक्त रूप से नालों के ऊपर फड़ व दुकानदारों द्वारा पक्की निर्माण कर दिया गया था, जिसको अब हटाया जा रहा है। फिलहाल अभियान आगे भी ऐसे जारी रहेगा। से लेकर नकुलिया चौराहे तक अभियान चलाया गया। इसका मुख्य कारण वर्षा काल प्रारंभ होने वाला है, जिसमें अतिक्रमण करके नालियों के ऊपर स्लैब डाल दिए गए थे, फड़ खोखे लगा दिए गए थे, जिससे नालियों की उचित सफाई नहीं हो पा रही थी और वर्षा काल में भारी अस्त व्यस्त हो सकती थी। इस कारण अतिक्रमण अभियान चलाया गया है और आगे भी जारी रहेगा। सर, सामान उठा के नगर पालिका के पास जब्त करवाया गया है और विधि अनुसार कार्रवाई। लाइव उत्तराखंड के लिए सितारगंज से एहसान अंसारी की रिपोर्ट।